क्वेश्चन के साथ, ठीक है? ओके सबसे पहले हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम, और फिर हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। सो आई एम थिंकिंग कि हम लोग जुआलॉजी का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जुआलॉजी के पार्ट लेंदी तो है ही है, उसके अलावा थोड़ा इजी है, आप रिलेट कर पाते हो। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप सभी अपने आप से रिलेट कर लेते हो, तो हम पहले जुआलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट दिसंबर में, एटलीस्ट दिसंबर के एंड से पहले तुम्हारा पूरा 11th का जुआलॉजी प्रिपेयर हो, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि 12th तुमने एक बार पूरी कर ली है और 11th की तुमने पूरी जुआलॉजी कर रही है, तो सोचो तुम कितना सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जब FSTS चलेंगे, फुल सिलेबस चेस, तो तुम्हारे नंबर तो आएंगे ना, क्योंकि तुमने मेजर पार्ट तो कर ही लिया है। अब बचा बॉटनी, फिर बॉटनी हम जनवरी में जितना कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे, ठीक है? यो यो मैम कि कोई एक चीज तो है जो मैं पूरी नहीं करा पाऊंगी, कि इतना टाइम फ्रेम तो है नहीं हमारे पास, राइट? तो मैं वो एक चीज पूरी नहीं करा पाऊंगी, तो बॉटनी जुआलॉजी में से आई थिंक कि मुझे जुआलॉजी पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि जुआलॉजी आपके लिए थोड़ा इजी होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, राइट? तो जो चीज इजी है उससे नंबर आ जाएंगे, तो फिर उसको क्यों छोड़ के जाओगे ना। प्लांट फिजियोलॉजी से नंबर भी मिलेंगे और एनिमल फिजियोलॉजी से भी तुम्हें अच्छा खासा पेपर आएगा, दोनों से पेपर अच्छा खासा आता है। तो फिर अगर जुआलॉजी इजी है तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, है ना? यो मैम यो मैम, तो इसी माइंडसेट से हम चलेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबका बेसिक है, तो इसलिए ये आपका करना तो जरूरी है ही है, राइट? उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम पे जंप करेंगे, तो इस वीक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वीक एनिमल किंगडम हमारा अच्छे से चलेगा, ठीक है? तो क्योंकि ये क्विक रिवीजन टाइप की है, ठीक है, तो हम लोग जितना एनसीईआरटी है वो तो कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी रीडिंग हम करेंगे ही, पीवाईक्यू हम वही कोशिश करेंगे कि जितने पीवाईक्यू वो सारे लगाए, जैसे हमने इकोलॉजी में लगाए थे ना, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, यो कोशिश मैम करेंगे ऐसी क्लास में लगा ले, क्योंकि उससे आपके नंबर अच्छे इंक्रीज होते हैं ना। यो मैम जिन्होंने FST दिया है यो ऑफलाइन, मैम उनको मदद हुई क्वेश्चन लगाने से, यो मैम है ना? तो हम विल ट्राई कि हम एटलीस्ट, मतलब जैसे तुम्हारे दिसंबर खत्म हो, तो तुम देख सको कि तुम्हारे पास ये जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कि हाँ यार तुमने 12th के भी लगा लिए, तुमने 11th की पूरी जुआलॉजी के भी लगा लिए, तो कॉन्फिडेंस आया था ना यार, मैंने 1000 क्वेश्चन लगाया तो नीट का कोई क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा मुझसे, है ना? यो यो मैम ट्राइंग हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंस गेन करें, है ना? क्योंकि देखो बायो सब पढ़ रहे होंगे, तुम भी पढ़ोगे, मेहनत करके जाओगे, क्वेश्चन तो लगाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है, पता नहीं होगा या नहीं, सो दैट रियलिस्टिक है यार, मैंने 1000 क्वेश्चन लगाया, मेरे से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कुछ तो कर ही लूंगी, राइट? टू हैव दैट कॉन्फिडेंस हम लोग उस माइंडसेट से चलेंगे, राइट? तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम एनसीईआरटी के 2 ही पेजेस करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग के पेज में बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है और एक बहुत बड़ा टेबल है विटकर क्लासिफिकेशन का, तो पहले हम एनसीईआरटी के 2 पेजेस करेंगे, उसी में विटकर क्लासिफिकेशन का जो टेबल है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एंड में हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है? और इस चैप्टर की अगर वेटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से अकेले आ जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स अराउंड 16 मार्क्स से कह लेते हैं, सिक्सटीन मार्क्स है ना एक चैप्टर से, तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। और इस चैप्टर में आपने करना क्या है, आपने इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है जो हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद आपने बैक्टीरिया पढ़ना है मोनेरा, फिर आपने पढ़ना है प्रोटिस्टा, और फिर आपने पढ़ना है फंजाई। प्लांटिया आपने इसमें पढ़ना नहीं है, उसके अलग चैप्टर है, और एनिमेलिया भी अलग चैप्टर है, ठीक है? तो 3 चीजों का आपको पढ़ना है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, तो स्टार्ट करें। खोल लो, पेंसिल निकाल ली, खोलिए। यस मैम यो मैम नोटबुक रख लिए पास में, यो मैम ट्राई कि हम लोग क्लास में पढ़े, क्लास याद करके चले जाए, राइट? ताकि बाकी का टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाओ। ये मत करना कि बायो का सब कुछ क्लास में करके जा रहे हो तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ओनली डिफरेंस बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री का ये है कि उसके लेक्चर्स कम होते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो क्लास में नहीं करा सकते ना, मेरे लेक्चर ज्यादा होते हैं इसलिए मैं करा रही हूँ, तो जो टाइम यहाँ से बचता है वो वहां पे लगाया करो, समझ आई? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या पर्पस है, उसका सिंपल सा पर्पस है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में, बायोडाइवर्सिटी हम सबने पढ़ी है, यो यो मैम तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ नो मैम बेटा, अब चैट में जा, साक्षी सूत्र लिखा होगा उस पर पिन कर, यो यो मैम जैसे कि तुमको दिख रहा है कि ये कंबखत फिर नहीं चल रहा, तो चैट में जाओ, वहां साक्षी देखो, अब इसको जाओ और इसको पिन कर दो, अनपिन कर दिया मैंने, अब इसको पिन कर दो, ठीक है? अब देख रही हूँ यो यो मैम, क्योंकि नहीं तो तुम बोर हो जाओगे अगर तुमने देखा नहीं,
देखो सारी दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में वो मोनीरा को कोई इज्जत नहीं देते, तो बैक्टीरिया की कोई इज्जत नहीं है, हम कहीं नहीं डालेंगे उसको। याद है ना तीन पाई चार्ट थे जिसमें मोनीरा की बात कहीं नहीं हुई थी, बैक्टीरिया को किसी ने डिस्कस नहीं किया था, याद है? यो यो मैम, लेकिन यहाँ करते हैं डिस्कस। विटकर साहब ये क्लासिफिकेशन डिस्कस करेगी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहती है, कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर आप बैठ के सबको एक एक करके पढ़ने लग गए तो जीवन निकल जाएगा, इनको नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो उन्होंने क्या कहा, इनको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है? तो उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे एक एक डब्बे में सबको रख दो। जैसे अगर आपको मैं तीन बॉक्सेस दे दूं, बहुत सिंपल सी चीज है, समझ जाओगे, दो मिनट भी लगेंगे तुम्हें। तीन बॉक्स दे दिए, ए बी सी, ठीक है? और डालने के लिए आपके पास है क्लोथ्स एक तरफ आपके घर के बर्तन यूटेंसिल्स, और तीसरी तरफ आपकी बुक्स। अब अगर मैं सब कुछ मिक्स कर दूं तो दिक्कत होगी बाद में डब्बा खोल के चीजें ढूंढने में। यो यो आसान क्या रहेगा, तीन अलग 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 डिब्बे में डाल दो। हाँ, हाथ खड़े करने, तो तीनों को अलग अलग डिब्बे में डाल दो, क्लोथ्स को एक में डाल दो, यूटेंसिल्स को एक में डाल दो, बुक्स को एक में डाल दो। तो तुमने क्या कर दिया, क्लोथ्स को, यूटेंसिल्स को और बुक्स को क्लासिफाई कर दिया, मतलब अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ना, एक किताब दूसरी किताब से मिलती थी इसलिए तुमने डाल दिया ना कि सब बुक्स है, राइट? तो क्लासिफिकेशन का यही मतलब होता है, सबको एक एक अलग अलग डब्बों में डाल दिया। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जो कोशिश करी थी वो थे एरिस्टोटल, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ही वॉज अ फर्स्ट टू क्लासिफाई लिविंग बींग। तो लिविंग बींग्स को पहली बार डब्बों में डालने का आइडिया था हमारा एरिस्टोटल जी का, लेकिन जो किंगडम वर्ड है, किंगडम्स में डालना इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा बस डब्बे एक एक साथ रख दो उनको, इन्होंने किंगडम वर्ड यूज नहीं किया। तो ये लिख लो, क्योंकि यही कंफ्यूजन होती है और जहां से क्वेश्चन हम कंफ्यूज होते हैं वही पॉइंट लिख लेना चाहिए। ही डिड नॉट गिव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, बस यही कंफ्यूजन होगी। तो इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया लेकिन इन्होंने किंगडम वगैरह कुछ नहीं दिया, राइट? तो इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, प्लांट और एनिमल वर्ड दे दिया। इन्होंने ऐसे नहीं बोला एक प्लांट किंगडम है सारे प्लांट उसमें, एक एनिमल किंगडम है सारे एनिमल उसमें। उन्होंने बोला एक प्लांट ग्रुप होता है एक एनिमल ग्रुप होता है, सारे पौधों को प्लांट में डाल दो, सारे एनिमल्स को एनिमल में डाल दो। अब प्लांट में उन्होंने क्या क्या डाला, उन्होंने कहा छोटे प्लांट जैसे हर्ब, उन्होंने कहा बड़े प्लांट जैसे श्रब्स, उन्होंने कहा उससे बड़े प्लांट जैसे ट्रीज, ऐसे उन्होंने प्लांट्स को एक साथ रख दिया। एनिमल्स को उन्होंने कैसे एक साथ रखा, उन्होंने कहा एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विद आरबीसी जिनके पास रेड ब्लड सेल है, लाल कलर का खून है, ठीक है, और उन्होंने कहा दूसरे होते हैं विदाउट आरबीसी, ठीक है जी। ऐसे उन्होंने प्लांट जो एनिमल है उनको दो अलग ग्रुप में डाल दिया, जिनके पास आरबीसी नहीं होता उनको उन्होंने क्या बुलाया, एनीमा, एनीमिया नहीं, एनीमा, और जिनके पास आरबीसी होता उनको उन्होंने बोला एनीमा। ए से याद रखना कैपिटल ए का मतलब होता है एब्सेंट, धीरे धीरे वर्ड याद होंगे। तो तुमको इतना याद रख ले, सबसे पहले एरिस्टोटल आए थे जिन्होंने पहली बार कोशिश की थी चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, इसलिए इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये स्टार्ट ही ना करते तो क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट होती ना, राइट? क्लियर सबको? यो यो मैम। उसके बाद आए बहुत स्मार्ट, उन्होंने कहा ईयर नहीं तुम्हें नाम पता होने चाहिए, ठीक है? उनके बाद जो आए उन्होंने कहा कि चलो इनको किंगडम डालते, तो किंगडम वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया, लिनियस ने, इसलिए हम बोलते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दी है क्योंकि किंगडम वर्ड इन्होंने डाला है। सो ही इंट्रोड्यूस्ड वर्ड किंगडम, लिख रहे हो साथ साथ? यो यो मैम, यो यो मैम, ठीक है, साथ साथ लिख लो, इसमें कुछ है नहीं है, बाद में बैठ के आधा घंटा बैठेंगे, दो तीन पेन से लिखोगे, कोई जरूरत नहीं है, लिख लो, बाद में अगर दो तीन पेन की जरूरत है तो अलग पेन से अंडरलाइन कर लेना, अभी एक पेन से लिख लो। कार्ल लिनियस ने कहा दो किंगडम बनाऊंगा, अगर एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम, तो जब भी पेड़ देखो तुम समझ जाना मैंने प्लांट लिखा है वो, ठीक है? तो प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटिंग एंड किंगडम एनिमेलिया इन्होंने दिया, ठीक है, क्लियर? अब कार्ल लिनियस ने जो किंगडम क्लासिफिकेशन दी उसके ऊपर एनसीईआरटी बात करते हैं कि यार इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसकी वजह से क्लासिफिकेशन को हमने आगे और बढ़ा दिया, राइट? तो सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई करने के लिए क्या पॉइंट लिए, देखो ऊपर उन्होंने क्या लिए थे कि प्लांट को साइज के बेस पे कर दिया था और एनिमल को विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी के बेसिस पे कर दिया। कार्ल लिनियस ने क्या पॉइंट लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है स्टेटमेंट बेस्ड। कार्ल लिनियस ने कहा मैं देखूंगा सेल वॉल है कि नहीं, कॉम्पोजिशन नहीं, वो प्रेजेंस और एब्सेंस देख रहा था, कह रहे जिनकी सेल वॉल है
उनको लेट से प्लांट में डाल दिया, जिनकी सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल में डाल दिया। कह रहे कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम क्या होता है? कभी ऐसे देखा जो बैक्टीरिया होता है, ऐसे बैक्टीरिया है जब वो खाने के पास जाता है तो अपनी फिंगर से आगे ले आता है और खाने को ऐसे इंगल्फ कर लेता है। नोटिस किया कभी? पता है ये मैम जैसे अमीबा करता है वैसे? हाँ बैक्टीरिया भी वैसे करता है। अमीबा ले ले एग्जांपल, जैसे सूडोपोडिया आगे लगा दिया ना, ये वो खाने को है कुछ आगे पे है ना, तो वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से कर पाते होते। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है जो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है एनिमल में, प्लांट्स में नहीं मिलती। लोकोमोशन, चलने फिरने की कैपेसिटी प्लांट के पास है। सुबह उठे आम के सारे पेड़ अपने घर से पड़ोसी के घर में चले गए, हो लिया काम, हो गया क्लेश। तो शुक्र है नहीं है एनिमल में, लेकिन है तुम्हें। देखो तुम अभी सोए हो, पता चलो सुबह दूसरों के घर में निकले, है ना, फिर पिटोगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे, प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? भैया को खाना खुद बनाते हैं, हमारा क्या है, हम उसको खा जाते हैं। तो हमारा है हेटरोट्रॉफिक, उनको ऑटोट्रॉफिक। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दोनों का अलग अलग है। हम लोग जो रिस्पॉन्ड देते हैं वो अलग तरीके से देते हैं, वो रिस्पॉन्ड थोड़े अलग तरीके से देते हैं। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी सबसे पहले, तो ये इम्पोर्टेंट है। समझ आया? ठीक है, अभी समझ लो, ये वाला पॉइंट बाद में लिख लिया, बहुत सारी थ्योरी है ना तो वेस्ट नहीं करना। अब ड्रॉबैक्स भी तो होंगे, अगर ड्रॉबैक नहीं होता, नुकसान नहीं होता, ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज, या डिसएडवांटेज नहीं होता तो अगली क्लासिफिकेशन में भी आती नहीं है ना, तो नुकसान होना भी जरूरी है, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि इन्होंने यूनिसेलुलर एक सेल वाले और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक सेल को एक साथ रख दिया, तो ये भी गलत है, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया। ये तीनों चीजें बहुत सीवियर थी, तो उन्होंने ना गहरी स्टडी नहीं करी, ऊपर ऊपर से स्टडी करी चीजों की, जो चीज उन्हें दिख रही थी उन्होंने स्टडी कर ली, जो नहीं दिख रही थी वो उन्होंने करी स्टडी, ठीक है। तो ये उनके ड्रॉबैक्स थे। तो इनको ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए थर्ड साइंटिस्ट आते हैं, हैकल। हैकल ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास एक प्लांटी है ना, प्लांटी डाल देते हैं, कह रहे एक प्लांटी है, एक तुम्हारे पास एनिमेलिया है, मैं एक और ग्रुप डालना चाहता हूँ, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोटिस्टा। तो देखो प्लांटी एनिमेलिया पहले आए, थर्ड नंबर पे आए प्रोटिस्टा, ऑर्डर याद रखना, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए, यूकेरियोटिक सेल वाले। उसके बाद आए कॉपलैंड, कॉपलैंड ने कहा मैं सब इन्फॉर्मेशन को कॉपअप करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, प्रोटिस्टा तो आ ही गया था, अब उन्होंने कौन सा ग्रुप डाल दिया, मोनेरा। मोनेरा, शाबाश, किसने बोला ये? क्या पता नहीं, ठीक है। तो मोनेरा भी आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया, प्लांटी भी आ गया, एनिमेलिया भी आ गया, कौन सा मिसिंग है? इंट्रोड्यूस फंजाय। तो बेटा फंजाय को विटिकर जी ने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहली बात, तो ये इंपॉर्टेंट, इन्हीं लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फंजाय को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद वो सिस्टम आया जिसको अपा पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं ना, यो यो मैम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हम यही पढ़ते हैं, और यही आया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, एनिमेलिया। अब हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे चलते हैं, इसलिए हम इस ऑर्डर में लिख लेते हैं। लेकिन पहले आया था एनिमल और प्लांटी एक साथ आया था, उसके बाद प्रोटिस्टा आया था, फिर मोनेरा आया था, लास्ट में फंजाय आया था, ओके। यो यो मैम, कौन सी ईयर में दिया था विटकर ने? 1969। यस, गुड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल भी यही है, लिख लेते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल। इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, बात करेंगे अभी, एनसीईआरटी में लिखा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल यही है, इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरी बायो पढ़ डाली है। आगे चलते हैं। अब एक और आए साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉइस, ठीक है। उन्होंने अपनी वॉइस ऐसे इंक्रीज करी, तो ऐसे याद रखना, वॉइस उठाई, और उन्होंने कहा कि जो ये बैक्टीरिया है ये तो बहुत ही ज्यादा है, कह रहे इतने ज्यादा बैक्टीरिया को भी डिवाइड करो, कह रहे एक काम करो कि जो बैक्टीरिया का किंगडम है, किंगडम कौन सा है? मोनेरा। कह रहे इस किंगडम को भी ना दो डोमेन में डाल दो, ठीक है, दो इनके छोटे छोटे राज्य बना दो, किंगडम बड़ा राज्य है, छोटे छोटे बना लो, तो जो जो छोटे छोटे बनाए दीज आर डोमेन। सॉरी, तीन डोमेन बनाओ, एक वो डोमेन बनाओ जिसमें सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया रहेंगे, वो बैक्टीरिया जो धरती पे तब आए थे जब हमारा नामो निशान नहीं था, सबसे पहले आए थे, उन बैक्टीरिया का डोमेन का नाम है आरके बैक्टीरिया। आरके बैक्टीरिया किंगडम का नाम है, डोमेन का नाम है आरके, ठीक है, ओके। यो यो मैम, यो यो मैम,
नेक्स्ट इज दूसरा डोमेन है हमारा जिसमें एडवांस वाले आ गए, ठीक है, इनको हम कहते हैं यूबैक्टीरिया, इसको यूबैक्टीरिया ही कहते हैं। और एक और इन्होंने डोमेन लगाया, इन्होंने कहा कि सारे के सारे जो बाकी इंडिविजुअल है, जैसे दो डोमेन तो इसने मोनीरा को दे दिए ना, अब ये डोमेन कह रहे थे ना, तो इन्होंने कहा एक और डोमेन रखो जिसको हम बुलाएंगे यूकार्या, और यूकार्या के अंदर वो सारे आ जाएंगे जो तुमने अभी पढ़े थे, दैट इज प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगाई और एनिमेलिया और प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हम इसे बुलाते हैं, इन्होंने एक और किंगडम डाल दिया, तो सिक्स किंगडम किसने दिया था, इन्होंने, ठीक है जी। एनसीईआरटी में नाम मेंशन नहीं है, वर्ड मेंशन है, क्लियर है सबको? ओके, तो फटाफट मेरे को बता दो एक बार कौन कौन से किंगडम आ गए। सबसे पहले कौन आया था, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, प्रिया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तान्या, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बताया था हमें, प्रीति, संधु, उन्होंने प्लांट और एनिमल के बारे में बताया था, जिनको उन्होंने ये बताया था कि हम इनको अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, जैसे हर्ब को अलग जगह पे रखेंगे, श्रब्स को अलग जगह पे रखेंगे और ट्रीज को अलग जगह पे रखेंगे, इन सबको एक साथ प्लांट में रखेंगे। यस मैम। और नेहा, एनिमल को किस बेसिस पे डिवाइड किया था एरिस्टोटल जी ने, विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। ओके, क्या इन्होंने किंगडम वर्ड यूज किया था? नो मैम। किंगडम वर्ड किसने यूज किया था दीक्षा? कार्लसलेनियस। कार्लसलेनियस, कार्लसलेनियस ने किंगडम वर्ड यूज कर दिया। कौन कौन से किंगडम इंट्रोड्यूस किए इन्होंने? एनिमेलिया। गुड आरुषि, फिर वो कौन थे जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी? हैकल। हैकल ने कौन सा तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? प्रोटिस्टा। वेरी गुड। नीता, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी बेटा? कोपलैंड ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? मैम मोनेरा। मोनेरा, सो फिर मनीषा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? मैम कार्लवोस। ओके, और किस में उन्होंने डोमेन इंट्रोड्यूस करे थे, कौन से किंगडम के अंदर? मैम उन्होंने मोनेरा के अंदर थ्री डोमेन बनाए थे, आर्ची, यू बैक्टीरिया एंड यूकारिया। गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, समझ आ गया तुम्हें। एनसीईआरटी बोलो, आ जाओ पढ़ ले, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अबे पहला पेज कहाँ गया एनसीईआरटी का? ये पहला, ये इसके ऊपर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है बस। अरे एरिस्टोटल जी का नाम है यार उसमें। यस मैम। एक सेकंड रुकिए, ऐसी है ना, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। वेरी गुड, देखो उसमें थर्ड लाइन देखो, एरिस्टोटल वाज़ द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अंडरलाइन करो इसे, ठीक है। उन्होंने क्या यूज किया, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मोर्फोलॉजी तो देखी उन्होंने, ज्यादा तो कुछ देखा ही नहीं, तो ये हम अपने नोट में ऐड कर देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। इन्होंने क्या यूज किया, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिख दो यहाँ पे, बेस्ड ऑन ऐसे मोर्फोलॉजी, ऐसे लिखा करो, पूरा पूरा इज एम आर नहीं लगाना। ओके डन, नोट्स में ऐड कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, लीनियस। सो लीनियस के टाइम पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, तो क्वेश्चन यही आता है बार बार, किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, राइट। देखो पढ़ लेते हैं इसको, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इन्होंने इंक्लूड कर दिया, एनिमेलिया में एनिमल और प्लांटिया में प्लांट। दिस सिस्टम did not distinguish between eukaryotic and prokaryotic cell, unicellular and multicellular cell, and photosynthetic and non-photosynthetic. तो हमने ये बार लिख लिया अपने नोट्स में कि भाई इसका ड्रॉबैक ये था, राइट? तो ये है इसका ड्रॉबैक, लिख लिया था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। इनको करना भी आसान था और इनको समझना भी आसान था, देख के बता सकते हो ना पौधा कौन है, मनुष्य इंसान कौन है, देख के बता सकते हो एक एनिमल कौन है या प्लांट कौन है, तो ये तो इजी था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी, बहुत से ऑर्गेनिज्म किसी कैटेगरी में नहीं आए। अब हम खड़े हैं ब्रेड को देख रहे हैं, ब्रेड के ऊपर लग गया फंगस, अब हम कंफ्यूज है कि भाई ये कौन है, प्लांट में डाले या एनिमल में डाले, तो बहुत सारी चीजें आती नहीं क्लासिफिकेशन में। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो अपने को पता चल गया कि two kingdoms है ना बात नहीं बन रही, अपने को increase करना पड़ेगा कुछ, ठीक है।
बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल अ नीड, मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर ऊपर से मॉर्फोलॉजी देखना, वी नीड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर को स्टडी करना इंक्लूडिंग लगा कि यार और चीजें देखनी चाहिए, देखना चाहिए सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी वॉल है उसकी, सेल वॉल किससे बनी है, कैसा खाना खा रहा है वो, किस हैबिटेट में रह रहा है वो, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है कि अगर मैं उसका फॉसिल पढ़ूं तो वो किससे बिलोंग करता है, भाई डायनासोर से बिलोंग कर रहा है, फिश से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, राइट। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, तो क्लासिफिकेशन बहुत बार चेंजेस में आ चुकी है, इनमें से अभी ऐसी कोई लाइन नहीं थी जो अंडरलाइन करने वाली थी, इसलिए मैंने करी नहीं, ठीक है जी। क्या करो ताकि तुमको आदत हो जाए बायो की लैंग्वेज की, तो कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट आए तुमको पता चल जाए कि ये जरूरी थी या नहीं थी, ये सही बात कर रहा है या नहीं, राइट। द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम तो हर जगह ही है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। प्लांट एनिमल किंगडम तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, कार्लिनियस का एरिस्टोटल ने भी डिवाइड कर ही दिया था प्लांट और एनिमल को, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बस उसमें इंडिविजुअल कभी कुछ डाल देते हैं हम, कभी उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, पहले हम मोनेरा डाल देते थे प्लांट में, अब हमने निकाल लिया अलग, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये वाला पेज निकाल लीजिए क्योंकि ये है बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल ही आता है, तो इसको कर लो सबसे इम्पोर्टेंट, 4 मार्क का लिख लो इसे, ठीक है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, विटिकर के पॉइंट है ये, ठीक है जी। तो विटकर क्लासिफिकेशन में इसने कितने पॉइंट्स देखे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एनसीईआरटी नीचे और पॉइंट्स भी मेंशन करेगी, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखो इन्होंने 5 किंगडम डिवाइड करे, मोनेरा को हम बैक्टीरिया भी कह देते हैं लूज लैंग्वेज में, ध्यान से देखना, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, एनिमेलिया। अब सबसे पहला फीचर है सेल का टाइप, तो सबसे प्रिमिटिव सेल किसमें आपको मिलते हैं, क्लियर। अब अगर सेल प्रोक्रियोटिक है तो क्या प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, यस मैम, नो बहुत बढ़िया था, नो मैम, नहीं नहीं थप्पड़ मारो, नो मैम, नहीं नहीं बनता, तेरा बनता है, मैम हमने ना मना ही किया था। अच्छा, जिसने हाँ बोला था तेरा थप्पड़ मार ले, मैम नहीं मैंने न्यूक्लियोइड बोला था। अच्छा जबरदस्ती, पेन मार दूंगी तेरे नाक पे, ज्यादा बोलेगी तो आई बड़ी, तो जब न्यूक्लियस है नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, है आम है नहीं, आम का छिलका कहाँ ढूंढ रहे हो, आम ही नहीं मिला तुम्हें तो। तो वैसे ही जब सेल टाइप प्रोक्रियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी होगी, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में होता है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है उन सब में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर, दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सेल वॉल पे, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोमोलिक्यूल में आप इसको डिटेल में भी पढ़ोगे कि जो मोनेरा होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, भाई प्लांट तो होते नहीं मोनेरा, इतना तो पता है हमें, पता है ना ये बात, तो जो मोनेरा है, मोनेरा और बैक्टीरिया, अभी हम इसका स्ट्रक्चर कल करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, मजे आएंगे, डायग्राम बहुत अच्छा है उसका, ठीक है। तो मोनेरा की जो सेल वॉल है बेटा, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट, ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिख लो यार किसी को नहीं पता तो, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं, 11th की बायो तो बेसिक है ना, तो मुझे नहीं पता किसका बेसिक अच्छा है या नहीं, मैं तो लेके चलती हूँ किसी का अच्छा नहीं है, जब मैं खुद भी पढ़ती हूँ तो मैं भी ये लेके चलती हूँ कि मुझे भी नहीं सब पता, नई चीजें पता चलेगी, सो आई अज्यूम तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पहचानोगे कैसे, मेम्ब्रेन वर्ड आ जाएगा ना, तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाद जो बाहर है दैट इज सेल वॉल, और मनीरा के केस में तो बाहर एक कैप्सूल भी होता है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, तो सेल वॉल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो सेल वॉल ये कह रहे हैं कैसी है, प्लांट तो है नहीं, तो प्लांट के केस में सेलुलोसिक होती है, सेलुलोज होता है, इसका भी फोन है मैं क्लास में, वेट करें तो फोन करते हैं बीच में, बदतमीज, एक सेकंड। सेल वॉल प्लांट की तो है नहीं, सेलुलोसिक क्यों होगी, तुमको पता है ना, तुम जो ग्रीन चीजें खाते हो वो सेलुलोस होता है, पेट में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, उसी से रफेज बनता है, तो वहां से लगा लेना बैक्टीरिया के पास है नॉन सेलुलोसिक, ठीक है, सेलुलोस से नहीं बनी।
लेकिन फिर किससे बनी होगी? मैम मैम तब बनी होती है कार्बोहाइड्रेट से. रुक जाओ ओ बायो मॉलिक्यूल के खराब बच्चों, बायो कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन को अपा बुलाते हैं पॉलीसेकेराइड. तो सेकेराइड का मतलब होता है सुगर. चानी में पानी में कह रही हूँ सॉरी, चाय में शुगर डालो चाय टेस्टी हो जाती है. सुगर कौन से सुगर से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन. बहुत ही जरूरी, पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से इसकी सेल वॉल बनी होती है. पेप्टिडोग्लाइकन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक होता है नैग, एक होता है नैम. ठीक है, नैग और नैम. कि बैक्टीरिया कैसे याद रखोगे? बैक्टीरिया नाक से घुसेगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को नम कर देगा क्योंकि तुम बीमार हो जाओगे. बहुत भैया तरीका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट यही पूछता है. ठीक है, नैग नैम का स्ट्रक्चर नहीं पूछता. तुम पीएचडी करने नहीं जा रहे, भगवान के लिए मत करना उसे, छोड़ दो. नैग और नैम के कॉम्बिनेशन से बार बार नैग नैम आता रहता है. ठीक है, नैग इज व्हाट? अरे वाह, कौन था ये? इतने इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे मेरी क्लास में, कमाल होगी. इसको सही आता है, शाबाश, वेरी गुड, दिल खुश किया है तुमने. और एन एसिटाइल बता दे. म्यूरामेरिक. यस, स्पेलिंग चेक कर लेना इसके. ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन से बना होता है. इट इज अ एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है दैट इज अ हेटरोपॉलीमर. कैसा पॉलीमर है? हेटरोपॉलीमर. हेट्रोपॉलीमर का मतलब है अगर तो नैग 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 से ही बना होता, एक ही मोनोमर यूनिट से बना होता तो होमो होता. नैम 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 से बना होता तो होमो होता. लेकिन एक जगह नैग है एक जगह नैम है, नैग नैम नैग नैम, अलग अलग यूनिट से बना है इसलिए हेट्रोपॉलीमर. जब बायोमोलिक्यूल करोगे तो ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको नोट करेंगे हम लोग. ठीक है जी, यस मैम, आगे आते हैं. तो नॉन सेल्युलोजिक सेल्युलोज से नहीं बनी है. पॉलीसेकेराइड शुगर की चेन से बनी है, प्लस अमीनो एसिड. उसके अंदर प्रोटीन भी तो आएंगे, बिना प्रोटीन के तो होगी नहीं सेल वॉल. ठीक है, तो इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं. नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ तो प्लीज तुम देख लेना, अपनी कॉपी में कर लिया ना साथ साथ. देखो, प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होती है. हाँ जी बोलो. प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होती है. जिसमें प्रेजेंट होती है उनमें कैसी होती है? सेलुलोजिक. तो वहां लिख लो सेलुलोजिक होती है, अपनी उसी में लगा लो यार, लेकिन पेंसिल से लिखना. फंगाई के अंदर भाई काइटन से होती है, फंगाई की तो खासियत यही है, तो फंगाई लिख लेते हैं. फंगाई और मोनीरा बहुत मिलता जुलता लगेगा अभी तुम्हें. देखो, जो फंजाई होता है उसमें होती है काइटन की. और हमने आर्थ्रोपोडा कॉकरोच देखा सबने, उसके बाहर जो लेयर होती है थिक सी, वो भी काइटन की होती है. काइटन क्या है? इट्स अ प्रोटीन और शुगर. इट इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड. ठीक है जी, ये कैसा पॉलीसेकेराइड है? होमोपॉलीमर. अच्छा मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये बना होता है नैग. कैसे याद रखोगे? कि जो फंगस होता है ना, फंगस मशरूम कुछ भी ऐसे खा लोगे ना तो क्या होगा तुम्हारे साथ? और जोर से क्या होगा अगर बिना जाने मशरूम खा लोगे तो? कहाँ पहुंच जाओगे? ऊपर निकल जाओगे, निकल जाओगे मैम, जिंदगी का अंत. हाँ, निकल जाओगे किसी और रास्ते पे, है ना, चाहे अमरात रास्ते निकल जाओगे, है ना. तो मशरूम के मामले में अपनी नाक मत घुसाना, तो नेग याद रखना, नेग से बनाओ. पॉइजन वाले कर सकते हैं. हाँ हाँ, तभी निकल जाओगे ना बेटा. तो नेग से बने होते, तो एक ही यूनिट के बार बार आने से बन रहे हैं. नेग की चेन है नेग नेग नेग. तो इसे मैं क्या बोलूं, होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर? होमोपॉलीमर. शाबाश, जीत गए हो तुम 1,000 करोड़ रुपए के थप्पड़. नहीं सही बोला, होमोपॉलीमर से बने हैं. ठीक है, क्लियर है सबको? यो यो मैम, यो यो मैम. शुगर है मीठा मीठा, राइट. प्लांट में यार सेलुलोसिक होती है, और अपने पास तो है ही नहीं, हमें भगवान ने दी नहीं. क्या तुम फ्लेक्सिबल रहो, तुम्हें नहीं देंगे, तुम भागो, तूफान आ दिया है तुम भागो, तुमको सेल वॉल नहीं देंगे. क्लियर, आगे चले.
यो यो मैम, निकल लिया। फोर्थ करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है वो एक ही सेल की हो रही है, वो एक सेल झेल रहा है वही बहुत है। तो इट इज अ सेलुलर। जो प्रोटिस्टा की बॉडी होती है वो भी सेलुलर। तो देखो मोनिरा यो यो प्रोटिस्टा मैम, से सेम लगते हैं, दोनों एक ही सेल के बने हैं, लेकिन सेल अलग अलग है। प्रोटिस्टा वाले के पास न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स है, मोनिरा के पास नहीं है। फंजाई की मल्टी सेलुलर होती है लेकिन लूज टिश्यू होते हैं, बढ़िया से ऑर्गन नहीं बनता। अभी तो मशरूम के अंदर दिल धड़कता देख लिया गया तुमने, नहीं ना? अच्छे से जाइलम फ्लोएम में कुछ चीजें नहीं देखते हो। तो इसमें लूज टिश्यू है, प्लांट में टिश्यू है, ऑर्गन है, लेकिन अपने पास ऑर्गन सिस्टम है। तो ये इनका फर्क हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाते हो। देखो सबसे ज्यादा डाइवर्स जो है वो है मोनिरा, इनके पास हर तरीका का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको मोनिरा में डिटेल में करेंगे, इसलिए यहाँ डिटेल नहीं करा रू। ये खाना खुद भी बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी लेके खाना बना लेंगे, ये सूरज की रोशनी लेके खाना बना लेंगे। ये कह रहे हैं खाना बना बनाया रहा, मिल रहा है ना, मैं वो भी खा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बना बनाया खाना मिल रहा है तो कैसे खाएंगे? या तो ये उस खाने के ऊपर चिपक के उसको धीरे धीरे खाते रहेंगे, या फिर उस खाने पे थूकेंगे, उसको बाहर डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसको निगल जाएंगे। तो ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। तो बेसिकली ये हर तरीके के है ना खाना। हमें पता दो तरीके का, या तो हम बनाएंगे या फिर हम उसको खाएंगे। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं बेटे, मोनिरा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए जहां भी हम लेते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। हम लिखते हैं कुछ बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक, काफी सारे ऑटोट्रॉफिक है। तो खाना खुद भी बना सकते हैं और ये खाना बना बनाया भी खा सकते हैं, इसलिए शायद ये हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे पुराने धरती पे यही है, क्योंकि देखो कुछ भी खाते हैं ना, तो कुछ भी जो खा सकता है ना उसका सर्वाइवल ज्यादा है, राइट? यो यो मैम, तो ना जो कुछ भी खा सकता है वो किसी भी रिश्तेदार के घर पे जाके कुछ भी खा लेगा। अब तुम जाओ, तुम मुंह बनाओगे समोसे नहीं खाने थे, पकौड़े ले आते तो अच्छा होता है ना, ये नहीं करता है, कहता कुछ भी ले आओ मैं सब खा लूंगा। क्लियर? यो यो मैम। नाउ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का क्या है? प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ये भी है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क देखा रिपीट करते कौन सा वाला, तो कौन सा रिपीट कर दूं क्या? स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं? बता तो सही, चुप हो गई। ये ऑटोट्रॉफिक खुद भी बनाएगा और मोनिरा, मोनिरा करती रुक, ये खाना खुद भी बना लेगा और ये दूसरे से बना हुआ खाना भी खा लेगा। तो फर्क क्या होगा? हाँ हाँ मोनिरा रुक जा, प्रोटिस्टा करा दू। इसको टेंशन होगी, पास होगी मैम मोनिरा। ओके प्रिया, आवाज नहीं आ रही मेरी? प्रिया आवाज आ रही है? इसके बल फ्यूज हो गए। रुक यार मोनिरा करा दू, नहीं तो चढ़ जाएगी हम पे। बेटा मोनिरा सुन रहा है? है ये चली गई मैम, मेरे को लगता है इसका माइक नहीं ऑन हो रहा। मेरे को लग रहा है दिमाग भी नहीं हो रहा है कि चली गई। अच्छा, अरे ओ मोनिरा सुन, जो बैक्टीरिया होता है थोड़ी देर बाद आ रही आवाज, बहुत देर बाद आ रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ, एंड में देखती तुझे आती है आवाज या नहीं। बेटा जो बैक्टीरिया होता है ना, अगर वो तुम्हारे घर आएगा ना और तुम खाना नहीं दोगी, तो वो खुद बना के खा लेगा, ठीक है। वो धूप में बैठेगा, खुद बना के खाना खा लेगा। सो इट इज ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना बना लेगा, सनलाइट की मदद से बनाएगा, फोटोसिंथेटिक। लेकिन अगर तुमने खिड़की भी बंद कर दी और उसको कल्ले रूम में बिठा दी और खाना भी नहीं दे रही, तो वो ऐसा नहीं है कि वेट करेगा, वो खुद खाना तब भी बना लेगा। कैसे? केमिकल रिएक्शन करके। सो इट इज कीमोसिंथेटिक। अब मान लो तुम आई, तुम बैठी थी, तुम खाना नहीं दे रही थी, दरवाजे बंद कर दिए, तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हें दो थप्पड़ मारेगी कि खाना क्यों नहीं दिया मेहमान को, है ना, फिर उसको खाना देगी। नहीं है बेशरम, खाना मिल रहा है तो खाना बनाना बंद कर देगा, तो ये हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। खाना खा भी लेगा बना बनाया। खाना कैसे खाएगा? अगर तो तुम उसको कच्चा खाना दे दो, लेट से मम्मी ने कच्ची सब्जियां दे दी, कह रही जा बेटा बना ले, बैक्टीरिया कहेगा बट नॉनसेंस, वो क्या करेगा, खाने पे थूक देगा, उसको बाहर ही अपने एंजाइम से डाइजेस्ट करके निकल जाएगा। सो इट इज सेप्रोफिटिक। और अगर मम्मी ने पका पकाया खाना दे दिया तो फिर उसको डायरेक्टली खा लेगा, राइट? तो ये हर तरीके से खाना खा लेगा, ये भूखा नहीं मरेगा। अब समझ आया? यो यो मैम, कोई भी चीज भाई हर तरीके से समझाओ तो समझ आ जाती है। यो यो मैम, प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा कह रहा है आई एम ऑल्सो वेरी एडजस्टेबल,
मैं भी खाना बना लूंगा और मैं भी खाना खा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी कि जब ये घर पे आया और इसने प्रिया ने मुंह पे दरवाजा उसकी पहले दरवाजा बंद कर दिया, उसने कहा नहीं आने दो, इसने बुला लिया अंदर, सनलाइट से उसने खाना खुद बना लिया, इसने खाना नहीं दिया। फिर इसने जब खिड़की बंद करी ना वो खाना नहीं बना पाया, बिकॉज इट्स नॉट कीमो सिंथेटिक, सो दिस इज अ डिफरेंस। तो कीमो सिंथेटिक वर्ड को अंडरलाइन कर लो, यहाँ नहीं है, समझ आए? यो यो मैम। नाउ फंजाय, फंजाय का क्या है, मशरूम का क्या है कि मैं ना कहीं भी उग जाऊंगा लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगा। फंजाय का अपना रूल है, अरे भूखे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन खाना नहीं बनाएंगे। तो ये है तुम्हारा छोटा भाई या बड़ा भाई, इनका अपना तेवर है, ये नहीं बनाते खाना, इनकी दिक्कत है कोई, तो ये हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है? इनको बना बनाया खाना दिया, कच्चा खाना दोगे ना बनाएंगे नहीं, उस पर थूक देंगे फिर उसको वैसे खा लेंगे, ठीक है? या फिर पैरासिटिक है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक है। तो यहाँ लिख लो नेवर ऑटोट्रॉफ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि मशरूम देख के लगता है वो प्लांट है, उसको लिख देते हो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक नहीं है वो, मशरूम की ठग लाइफ है, वो नहीं करता काम, ठीक है? प्लांट क्या, प्लांट सीधे साधे ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन कीमोसिंथेटिक नहीं होते, ये केमिकली नहीं बना सकते, प्लांट को चाहिए सनलाइट, बंद कर दोगे कमरे में तो केमिकल रिएक्शन से खाना नहीं बनाएंगे, मर जाएंगे। और हमें हेटरोट्रॉफिक, तो हमें और फंगस में क्या फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। फंगा ये करते हैं, वो सेप्रोफिटिक है, खाने पे थूकते हैं, उसको बाहर पचाते हैं और फिर उसको पी जाते हैं, या फिर वो खाने के साथ चिपक के न्यूट्रिशन ले लेते हैं। हम है होलोजोइक, होलोजोइक का क्या मतलब है, हम खाने पे थूक के उसको बाहर नहीं पचाते, हम उसको बाइट लेते हैं और अपनी बॉडी में पचाते हैं। तो सेप्रोफिटिक का मतलब होता है एक्सटर्नल डाइजेशन, ध्यान से लिख लो, और होलोजोइक का मतलब होता है इंटरनल डाइजेशन, है ना? यो यो मैम, ये हम में और फंजाय में फर्क है। वो तुमसे इस चार्ट को लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं या ऐसे ही फर्क पूछ सकते हैं। तो फर्क हमने कर लिए, चलो कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं, चलो आगे। कॉन्ट्रडिक्शन कराएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। आर एच बिटकर ने 1969 में प्रपोज किया था फाइव फ्रीडम क्लासिफिकेशन, जिनमें उन्होंने बोला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांट, एनिमेलिया, इतना तो अपने को पता है। उनका मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, उन्होंने इंक्लूड करा सेल का स्ट्रक्चर, देखो उस टेबल पे, वो नहीं की क्लासिफिकेशन पे, तो वहां सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है? यो यो मैम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर को साइड में लिख दो, सेल टाइप हुआ है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करा है? यो यो मैम, मोड ऑफ यूटिलाइजेशन बात हुई है वहां पे? यो यो मैम, यो यो मैम की बात हुई है, रिप्रोडक्शन की नहीं, तो इस डब्बे में यहाँ लिख लो रिप्रोडक्शन हुई है। बताऊं तुझे कहाँ लिखी है डब्बे में, लिखा तो, अबे कहाँ लिखा है? ओ सॉरी मैम, मैं उसमें से पढ़ रही थी। ओ सॉरी सॉरी, मैं केमिस्ट्री क्लास लगा रही थी, मेरे को पता नहीं चला। रिप्रोडक्शन मैम आज क्लास और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? नो मैम, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन, सेवन पॉइंट लिख लो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है? एनसीईआरटी बात कर रहा है यहाँ पर नीचे, लेकिन जो डब्बे में जगह नहीं दी इन्होंने, देख रहे हो तुम, ये वही है नंबर, तुम जितने मर्जी लिया हो, फेवरेट टीचर के जो बच्चा था उसी को क्रेडिट मिलता है, बाकी को कोई नहीं पूछता, होता है ना ये? यो यो मैम, आज तो तुम में से चमची आऊंगी, है ना? नो मैम, मैम आज आप बता, जब भी कोई बच्चा ऐसे बोलता है मुझे घबराहट होती है, ये इसको नंबर चाहिए प्रैक्टिकल के। तो देखो ये पॉइंट नीचे लिखे है, अब अगर वो तुमसे पूछ ले और वो बोले फाइव किंगडम बिटकर के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से फीचर उसने लिए, तुम पहले इन पांचों को प्रेफरेंस दोगे। अगर इन पांचों के नाम को नहीं दिया है, ठीक है, और सीधा इनमें से कोई एक नाम दिया है, तुमको पूछा एक ऑप्शन बताओ जो उसने कंसिडर नहीं किया, लेट्स से आप क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन इज नॉट यूज फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और वहां पे बाकी ऑप्शन तो चार्ट वाले थे, एक ऑप्शन उन्होंने यहाँ से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिखा है, तो तुम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को टिक करोगे। बेसिकली एनसीईआरटी ऐसा मानती है कि जो उस बॉक्स में लिखा है पहले वो फीचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद इन दोनों फीचर को देखना है, क्लियर है? यो यो मैम, यो यो मैम, बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन लगाए। यो यो मैम, देखो मेरे को चार्जिंग में फोन लगाना पड़ेगा, 5 मिनट्स, ठीक है? यू हैव क्या टाइम हुआ है मैम? 45, 45, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन विजिबल है? यो यो मैम, मैं 5 मिनट दे रही हूँ, एग्जैक्टली 5 मिनट में करो और चैट में आंसर भेजना, ठीक है?
ओके मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ, कैमरा ऑफ रहेगा। यस 5 मिनट्स एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको दिख रहा है ना? यो यो मैम यो मैम यो प्रमिता एक साथ आंसर भेजना है, एक एक मिनट। एक साथ आंसर भेजना है, चलो हम भी देखते हैं। ओहो आंसर करना, पहला क्वेश्चन तो अभी डिस्कस हुआ है ऑलमोस्ट। टू एंड हाफ मिनट डन, 2.5 मिनट लेफ्ट। ढाई मिनट हो गया, 2.5 मिनट बचे हैं। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? यो यो मैम। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने अभी नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से, लेकिन हम इसी के साथ उसको कवर कर देंगे। हम थोड़ा सा मोनिरा पुटिस्टा पढ़ेंगे ना, फिर ये वाला पॉइंट 3 वाला ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए अभी वो पेज नहीं पढ़ा है मैंने। मैम हाँ बोलो। मैम, जो ऑफलाइन टेस्ट होना था ना मैम, उसमें पापा घर पे नहीं थे तो मैसेज आया था कल रात को, तो मैंने तो अभी देखा वो, तो मैम होना वो तो पाया कि नहीं। एक बार ना उसमें देखो चिराग सर का नंबर लिखा हुआ है ना नीचे, क्लास यस मैम, के बाद उनको कॉल कर लेना, ठीक है? मैम अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको कॉल किया तो उन्होंने तो ऐसा बोला कि संडे को होगा ऑनलाइन ही फिर से। उनको एक बार बता देना पेपेस्ट्री की बात कर रहे हो बेटा। मैम ऐसा बोला मैंने कि ऑफलाइन जो टेस्ट वो होना था वो मैंने अभी मैसेज देखा, उन्होंने बोला कि तो संडे को होगा ऑनलाइन, फिर कैसे होगा एम नॉट श्योर बेटा, को समझ नहीं आया, एक्चुअली पूछ लेती हूँ मैं एक बार। मैम, मुझे भी समझ नहीं आया, अभी मैंने कॉल करा था सर को। कोई ना, मैं पूछ के बता दूँ, ठीक है? ओके मैम। लास्ट 5 मिनट्स, सॉरी लास्ट 5 सेकेंड्स।
ओके डन। चलो जी मैम, मेरा ऑफलाइन टेस्ट कल है, ऑल द बेस्ट गुड मॉर्निंग। ओके ऋषिल, ऋषिल क्वेश्चन नंबर के बिना मत भेजा, अगर ऐसे कुछ समझ नहीं आता। पांचल, दीता, गुमेल, मुस्कान, प्रकृति, प्रिया, मनीषा, पलक, श्वेता, अंकिता, नेहा, तान्या, आशा, लिनिका, सुनिधि, रमिता, कृतिका, आरुषि, दीक्षा, शगुन, रितिका, दिव्या, नवप्रीत, मीनाक्षी, प्रिया, कृतिका, विशाल, अर्चो, रमिता। आप बेटा मोहित मैम भाई, हाँ मैम जब आप चार्ट पढ़ा रहे थे तो आप बता नहीं रहे थे कि खाना बनाने वाले, तो मम्मा बोल रहे थे कि आप पढ़ तो नहीं रहे हो, खाने की बातें कर रहे हो। तो उनको बोल ऐसे खाने की बातें करते करते मैं डॉक्टर बन जाना, टेंशन ना लो। आंटी ऑथेंटिसिटी चेक कर रही है, बताओ मेरी हद हो गई। चलो डिस्कस कर ले आंसर। हाँ ही ना, हाँ बोलो क्या मैम। मैम जो कल मेरा ऑफलाइन टेस्ट था ना, रो मैम क्यों, उसमें मैम रोने उसमें लेके स्टार्ट कर दो, हंसते बोल लिया करो कभी, बोलो। मैम उसमें ना जो मेरे साथ लड़की थी ना वो नहीं आएगी कल, मैम मैं अकेले कैसे दूंगी टेस्ट। कर लिया मतलब है, मैंने उससे पूछा ना तो उसने बोला मेरे कैंप लगे हैं, तो फिर मैंने बाद में देना टेस्ट। तो पिछली बार उसने तेरे साथ टेस्ट दिया था। मैम नहीं, ऑफलाइन जो होगा तो मैम हम दो ही थे वहां पे, देरा के सेंटर में, तो फिर मैम मैं तो अकेली होंगी फिर वहां पे। अरे तो तेरे को खा थोड़ी जाएंगे, हम प्यार से तो रखेंगे मैम बेटा। मैंने सर को बोला कि मैं अगर मतलब अपने स्कूल से देती हूँ, मेरे कैंप भी लगे अपने स्कूल से देती हूँ, सर ने बोला नहीं वहीं पे आना पड़ेगा। वहीं आना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां सेटअप हो गया होगा। अरे तो चले जा, क्या हो गया फिर, कभी वो बच्ची नीट का पेपर नहीं देने आएगी तो जाएगी नहीं सेंटर। मैम वो फिर बात नहीं ना होती, क्या बात है, तो बातें करने थोड़ी जा रही थी, क्या मेरी सहेली नहीं आएगी, तुम बातें कैसे करेंगे, चुपचाप जाके पेपर दे क्या अपने फोन में तो देना है टेस्ट, तो फिर घर पे भी हो जाएगा। पता नहीं चलेगा ना हमने कि तुमने खुद किया है या सहेली के साथ किया है। अच्छा वो बात है, हाँ वही तो, वो जो दूसरों सहेलियों से कर रहे हैं फिर उनके पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं, फिर जब स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कोई भी प्रॉफिट होगा तो उन बच्चों को पहले प्रॉफिट आएगा, जबकि वो बच्चा तो पढ़ नहीं रहा था, पढ़ तो दूर रही थी मैम तो इसलिए। क्या मतलब जो मैम हमारे मैम टीचर के हमारे सर पे खड़े रहेंगे हमें देखने के लिए। नहीं बेटा तेरे को अपने कंधे में बिठाएंगे, मेरे से पिट मत जाइयो अब, तू चुपचाप पेपर देने चली जा। सर पे खड़े रहेंगे, सिर पे खड़े रहेंगे, तेरे को कंधे में बिठाएंगे, पूरे स्कूल में घुमाएंगे। तो मैम फिर जब हम टेस्ट देंगे तो फिर मैम मतलब वो हमारे आसपास ही होंगे ना, तो फिर हाँ एक काम करना, चिराग सर को फोन करके सवाल पूछना, उनको भी मजे कराओ, है ना, मैम निर्भय नहीं, जा उन्हें भी मजे। मैम आपसे हाँ क्लास के बाद आइयो फिर। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विजिकर इज बेस्ड ऑन स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अरे मैं किससे बात कर रही हूँ फिर, इज बेस्ड ऑन, अब दिख रही है, नो मैम, ठीक है, यो यो मैम, इसमें ये बेस नहीं है, नॉट ढूंढना हमने, तो जो डब्बे वाले उसको प्रेफरेंस देना है। डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करी थी डब्बे ने, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है और प्रोक्रियोटिक सेल बोल रहा है, तो वो डिफाइंड न्यूक्लियस की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो ये तो करी थी उसने बात। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है बॉक्स में, यो यो मोड ऑफ मैम, न्यूट्रिशन की बात करता है, देख लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, यो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यो बॉडी मैम, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यो यो बात मैम, नहीं कर रहा था वो डब्बे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो आंसर वुड बी बी। लेकिन अगर टेक्निकली बोले तो आर एडविटकर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की भी बात करता है, तो आई थिंक उस टाइम पे ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर बी आया, लेकिन अब से ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप याद रखना कि ये भी इंक्लूड होगा, ठीक यो यो मैम, है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, को डब्बे में देख के बताओ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें है, क्या लिखा तुम लोगों मनेरा ने, गुड मनेरा मनेरा मोनिरा, उसमें देखो खाना नहीं दे रही थी जब वो उसको, वो खुद ऑटोट्रॉफिक हो गया था, जब उसने खिड़की बंद कर दी तो उसने केमिकल रिएक्शन से खाना बना लिया, फिर जब मम्मी ने आकर उसको कच्ची सब्जियां दी तो उसने सेप्रोफिटिक मोड से खा लिया, और जब मम्मी ने उसको खाना पका के दे दिया तो उसने पैरासिटिक मोड से खा लिया, राइट, तो आंसर वुड बी सी। अब इसकी मम्मी फिर बोलेगी फिर खाने की बातें कर
इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमिडो मोनास एंड कोलेरा हैज बीन इंक्लूडेड इन. मेरे को बताओ वैसे क्लेमिडो मोनास एंड कोलेरा कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने नलायक? लेकिन जो विटकर की क्लासिफिकेशन है ना उन्होंने इसको प्रोटिस्टा में डाला हुआ था. देखो अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब वो इसको पढ़ रहे हैं एल्गी के अंदर ही, ठीक है. तो ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि इस पेज पे जब आप आगे पढ़ोगे तो वो बताएंगे कि इसने प्रोटिस्टा में डाल दिया था इन्हें, तो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रेडिक्टरी लाइन, गलत है ये, है ना. अब हम उसको एल्गी के अंदर पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने प्रोटिस्टा में डाला था, तो आंसर वुड बी ए. बहुत ही कॉन्ट्रेडिक्टरी है, इस पॉइंट को मत भूलना, ये नीट में आता है, देख ही सकते हो तुम आया हुआ. नेक्स्ट इज फोर्थ, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई आरके एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज यूज्ड. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूज करिए तो कहाँ डालोगे तुम इन्हें? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियाज होते हैं ये, है ना, निट्रीफाइंग बैक्टीरिया. तो आंसर वुड बी डी, मोनेरा में डाल देंगे. इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिखा आपने? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल वॉल, सेल वॉल and mode of nutrition. In five kingdom system, the main basis of classification is actually mode of nutrition. Mode of nutrition पे ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने. वैसे बड़ा ही contradictory सा है क्योंकि उन्होंने कहीं mention नहीं किया NCERT में कि main criteria क्या है ना. लेकिन mode of nutrition उस time पे ही answer रहा होगा 2002 में. तो mode of nutrition के साथ ही हम जा रहे हैं अभी. सबसे ज़्यादा explain भी इसने वही करा actually mode of nutrition. तो maybe उस sense में, पर ये कहीं पे define नहीं है NCERT में, right? क्योंकि बहुत पुराने question है ना, तो उस time कुछ और मानते होंगे, इस टाइम थोड़ा सा फर्क आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में डिफाइंड नहीं है तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते. लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो विल गो विद मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्रुगिनेलगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया किसमें डालोगे? BGAs, blue green algae are included in which of the following group? किसमें डाला तुमने? Bryophytes, prokaryotes, prokaryotes. बेटे bryophytes are the plants. ठीक है? Blue green algae बोलते हैं लेकिन actually this is a bacteria. ठीक है? So it comes under prokaryotes. Okay? Thank you. अभी कल हम bacteria करेंगे ना, फिर देखो इसलिए दिखेगा भी, इसके examples भी करेंगे. ठीक है? An important criteria for modern day classification is, a modern day classification में इसमें से वैसे तो phylogenetic relationship था answer, लेकिन 1991 का question, तो इसमें सबसे important criteria तुम्हें क्या लगता है बताओ? Anatomical option. Morphology कभी हम सिर्फ देखने में same है साथ नहीं रखते, ठीक है. Breeding habit, किस टाइम पे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, इससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकोड से तो सिर्फ एनिमल को कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट आंसर यही बचा, बी ऑप्शन. अगर अब आता है ये क्वेश्चन तो आंसर होगा फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है जी, जो इस वाले पार्ट से आपको मैक्सिमम आ सकते थे. अब पूछो भैया, किसी को डाउट नहीं है तो मैं पोल रन कर दूं. यो यो मैम, चलो भी पोल लॉन्च्ड, आंसर द पोल, पोल का आंसर करो, जा सकते हो, जो आंसर करेगा वो जा सकता है.